करती है वो टेंजेंट कहलाती है। टेंजेंट आप लोगों ने जो बच्चे हिंदी मीडियम के स्पर्श रेखा को टेंजेंट कहते हैं, और ये जहां टच करती है, ये मान लेते हैं एक्स वन वाई वन पॉइंट है, और ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पर टच करती है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और यहां पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो कहलाती है नोड वन। तो कुछ बातें हमने कल बताई थी मुझे थी कि भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमने ये बताया था कि भी जो वास्तव में डीवाई डीएक्स है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डीवाई डीएक्स। और उसके बाद हमने बताया था कि भी नॉर्मल का स्लोप वो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, यानी कि टेंजेंट का उल्टा वी अपोजिट साइन, टेंजेंट का उल्टा वी अपोजिट साइन। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसका क्या देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है तो y माइनस वाई वन, अगर टेंजेंट के स्लोप को मैं m लिखता हूँ और नॉर्मल के स्लोप को माइनस वन बाई एम लिखता हूँ तो टेंजेंट की किस्म की y माइनस वाई वन एम स्लोप x माइनस एक्स वन। और इक्वेशन अब मुझे डिस्टर्ब मत करिए, अगर किसी के घर प्रॉब्लम है तो माइक ऑफ कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन क्या बताई हमने, y माइनस वाई वन माइनस वन बाई एम जो नॉर्मल का स्लोप है और x माइनस एक्स। और हमने बात बताई थी कल कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डी वाई डी एक्स जीरो होगा, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डी एक्स अपॉन डी वाई जीरो होगा। ये बातें हमने आप लोगों को बताई थी जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालता हूँ एनसीईआरटी के, और मैं प्रयास करूंगा कि आज जितने क्वेश्चन उनसे हो जाए वो करें। कुछ क्वेश्चन शायद हमने करे भी होंगे मेरे ख्याल से, मैंने कहाँ तक करा भाई, 7th क्वेश्चन तक मैंने कराए थे, बाकी मैं आज उससे आगे लूंगा, एक एक पार्ट दो दो पार्ट में। अच्छा एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, छोड़ना किसी ने, एक बच्ची की मेरे पास असाइनमेंट आई है पुनीत भारद्वाज के नाम से, कौन बच्चा है इसने वर्क सेंड किया है। हाँ भाई लक्ष्य है, तूने सेंड किया है क्या? टेंजेंट नॉर्मल का होमवर्क सेंड कर रखा है पुनीत भारद्वाज नाम से, नहीं प्रीति ने, प्रीति ने, प्रियंका ने, क्या बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। एक बच्चे ने होमवर्क सेंड किया है और बाकी लोग सीरियस नहीं है, बार बार कह रहे बेटा कि क्लास चीज ऑनलाइन चलेगी, हम आपको डांट सकता नहीं सकते, होमवर्क चेक कराते रहिए, आप भेजते उस समय पता लगता है। अगर कोई मैं डेली कंप्लेंट करूँ आप तुम्हारे घर से, आज के बाद जिसका होमवर्क नहीं आएगा डेली उनके घर मैसेज भी जाएगा कंप्लेंट भी, कोई बात नहीं, तुम्हारा थोड़ा वीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है,
फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, वो कहता है ये आपके पास कोई कर्व है एक्स माइनस टू का पोल, ये कर्व है जो वाई के फोरम में होगी, इक्वेशन होगी वो कर्व होगी। टेंजेंट इज पैरेलल टू कोर जो है ये पॉइंट, और जो टेंजेंट है इज पैरेलल टू कोर जॉइनिंग पॉइंट टू जीरो एंड फोर जीरो, टू जीरो एंड फोर जीरो। देखिए फोर फोर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट इस लाइन के कोर के पैरेलल, तो कोर से एक लाइन तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, ये मान लेते हैं ए भी दे दिया। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी तरफ के टेंजेंट का स्लोप, ये हमारा डी आई डी एक्स होगा और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस टू पावर आगे पावर, और स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनसे पास थ्रू लाइन का स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखिए फोर माइनस जीरो अपॉन फोर माइनस टू, ये आ गया टू। चलिए अब जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल है फोर के, टेंजेंट जो है ए बी के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप मान लो इसका एम वन हो गया, ये एम टू हो गया, तो एम वन इक्वल टू एम टू। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स, टेंजेंट इज पैरेलल टू फोर ए बी, तो एम वन और एम टू इक्वल होगा, और एम वन आपका ये है टू इंटू एक्स माइनस टू, और एम टू ये है टू कैंसिल हो गया एक्स इक्वल टू। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई तो वाई वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वाई वैल्यू जहां से निकलेगी कर्व के अंदर रखना है, तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया एक्स की वैल्यू टू आई है, पॉइंट कर्व पे आएगा, कोई भी पॉइंट होगा वो कर्व पे होगा। और अब आपसे ठीक है क्या कर दी बस, एक्स थ्री कैसे है भाई, अरे ओ सॉरी 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 बताते फिर एक भी कैलकुलेशन ये मिस्टेक हो गई, वो कैंसिल करके जीरो मिल गया, तुम्हारी तरह मैंने गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं एक्स करके थ्री तो वाई आ जाएगा भाई थ्री माइनस टू का होल स्क्वेयर वो कैंसिल करके उसको जीरो काउंट करेंगे, पॉइंट आ जाएगा अब आपके पास एक्स की थ्री और वाई की वन। बताइए ठीक है, प्रवेश निकालना है एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स प्लस फाइव, टेंजेंट इज एट रीच, टेंजेंट इज आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है वाई इक्वल टू एक्स माइनस इलेवन, आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब टेंजेंट की इक्वेशन है तो टेंजेंट का स्लोप भी मिल जाएगा। ये लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे आपको याद हो, एक लाइन होती थी हमारे पास वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप क्या होता था एम और यहां पर ये हो गया वन एक्स वन, तो हमने टेंजेंट का स्लोप पता लगा लिया।
यानी कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू वही विद स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई डी एक्स। चलिए अब आप डिफरेंशिएशन वो भी निकालते थे, लेकिन ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर है y इक्वल टू फोर नहीं थी तो वैसे निकाल दिया। ठीक है बेटा, चलो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट को करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि कोई भी काम कर्व के ऊपर होगा दूसरी लाइन को नहीं छोड़ना, दूसरी लाइन आपकी मदद के लिए है। देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आपका ये आ गया डी वाई डी एक्स, एक्स क्यूब का बेटा थ्री एक्स क्लियर और माइनस क्लियर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये आ गया थ्री एक्स क्लियर माइनस इलेवन, और ये इक्वल टू होगा जो लाइन दे रही थी, तो लाइन ही टेंजेंट है, यही टेंजेंट है, यही टेंजेंट है, तो ये वन, तो ये आपका थ्री एक्स क्लियर इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स क्लियर इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस। आगे देखते हैं इक्वेशन भी पूछिए, ओनली पॉइंट पूछा है, ओनली पॉइंट पूछा है, तो जब x की वैल्यू टू आ गई तो y आप निकालिए टू टू माइनस इलेवन इन टू टू प्लस फाइव, कैलकुलेट कर लीजिए, है ये आपका माइनस नाइन आ गया, और जब x इक्वल टू माइनस टू है तो y आ जाएगा माइनस टू का क्यूब माइनस इलेवन इंटू माइनस टू और प्लस फाइव, राइट। ये सभी नोट कर ले कि जिसका होमवर्क नहीं आएगा वो ऑब्सेंट माने अपने आप को, डेली होमवर्क करके भेजना है आपको। अभी देखिए टेंथ क्वेश्चन मैंने नहीं करा रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप माइनस वन एंड आर टेंजेंट टू डी, मतलब स्लोप दे रखा है टेंजेंट टू डी, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू इक्वल टू स्लोप रखना है। मैं इलेवंथ करा देता हूं, टेंथ और इलेवंथ से ही देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप टू, एक मिनट, लाइंस जो है हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू, देखिए अब डी वाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, लेकिन लाइन जिनका स्लोप टू है वो टेंजेंट है, इसका मतलब लाइन का ही स्लोप दे रखा है, टेंजेंट का ही स्लोप टू दे रखा है, तो टेंजेंट का स्लोप एक तरफ तो डी वाई डी एक्स से है, दूसरी तरफ कह रहा है कि उसका स्लोप टू है, सिंप्लीफाई कीजिए रेसिप्रोकल करोगे तो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाई टू, देखिए इधर स्क्वायर है इधर नेगेटिव है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर पॉसिबल होता तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करते y में रखते और वो पॉइंट आ जाता, उसके बाद उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालते, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कहेंगे देयरफॉर देयर इज नो, देयर इज नो सच पॉइंट, देयर इज नो सच पॉइंट एट विच टेंजेंट हैज स्लोप, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है यहां पर टेंजेंट का स्लोप टू है, क्लियर है भाई, मतलब टेंजेंट का स्लोप जीरो है, यानी कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है। आपका ये क्वेश्चन टेंथ में, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में
dy dx जो है वो स्लोप जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो बेटा जीरो दे रहा था, वो फाइंड आउट कर लो। dy dx को जीरो रखना है, सोल्व करना है, ठीक है। और वो पॉइंट आएगा, उसके बाद उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ही लिखनी है, इक्वेशन लिखने की सिखा रहा हूं अगले क्वेश्चन में सिखा दूंगा, नोट कर लें। अर्चिता को समझ नहीं आ रहा तो पूछते रहिए। 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आज पूरी करनी है आप लोगों को, मैंने बीच में इसलिए आज की और सारी में नहीं करा सकता, पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग खुद को लिखते। क्वेश्चन नंबर 13, ये कर्व है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए स्क्वायर की जगह 9 है, बी स्क्वायर की जगह 16। वो कहता है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा पहला तो डी वाई डिफ्रेंशिएशन करिए आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये पावर आके पावर कम, 9 कॉन्स्टेंट पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई डी एक्स, ये कितना भी गांव ही नहीं है क्यों। तो यहां से बेटा डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा आपका माइनस 2x अपॉन 9 अपॉन माइनस 2 अपॉन 2y अपॉन 16। कैलकुलेशन चेक कर लिया करें भाई, माइनस 16 एक्स अपॉन 1, और टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वहां डी वाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि माइनस 16 एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, और जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दें 0 को 9 वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, वाई आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 4, और ये आपका पॉइंट आ जाएगा x की 0 y का प्लस माइनस। ऐसे ही जब आपको टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आप डी एक्स अपॉन डी वाई को 0 रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई को 0 रखेंगे, और डी एक्स अपॉन डी वाई का मतलब इसका रेसिप्रोकल, ये आ गया 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू 0, और इसको भी पुट कर दो पुटिंग इन फर्स्ट, जब y को 0 रखोगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, और ये आपका आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2, और पॉइंट आ जाएगा आपका, पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू प्लस माइनस 3 और 0, जहां पर टेंजेंट, जहां पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा। 14 क्वेश्चन का कोई एक पार्ट में कराऊंगा आपका, 14 क्वेश्चन का पहला ही पार्ट में करवा रहा हूं, y इक्वल टू x की 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स क्यूब और 13 एक्स स्क्वायर, इसी मोटर बंद कर दो पानी ना रहता है, माइनस 10 और प्लस 5
हमें टेंजेंट निकालना है एट 0.5 पे। आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालने हैं, आपको टेंजेंट भी निकालने हैं और नॉर्मल भी निकालने हैं एट 0.5, यानी कि एक्स की 0 और वाई की 5 पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालने। देखिए डी वाई डी एक्स की 4 का आ जाएगा 4x³ और ये आ जाएगा माइनस 15x² प्लस 13x और माइनस 10। उसके बाद बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0.05, 0.5 के स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, टर्म था ये माइनस 10x मैं देख ली। अच्छा 26, कोई बात ना भाई, ये अब आपका यहाँ तक क्लियर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0.5, 0.5 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब x की जगह 0 और y की जगह 5, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा जिसका 0.5 का स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डी वाई डी एक्स जाएगा। बताइए क्या आएगा, x की जगह 0 रखिए, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 10, ये आ जाएगा आपका स्लोप, यानी कि आपका m जो है वो माइनस 10 आ गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1/n माइनस 1/-10, 1/10। चलिए अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, जब टेंजेंट का आपको स्लोप पता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अरे पासिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट, वन पासिंग पॉइंट दे रखे हो, स्लोप ऑफ लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन, आपको y वन आ जाएगा 5 एंड स्लोप आपका माइनस 10 और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन आपका 0। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सिंप्लीफाई कर लेना बेटा ढंग से, कभी इसको सॉल्व करने तो बताया नहीं कि हमने तो ऐसे कर दिया ही है, ढंग से सॉल्व कर लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे ले ली, अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल